देखिए, धातु का प्रत्येक धातु का अपना एक गुण है। आपने स्वर्ण भस्म के बारे में सुना होगा। जनरल वे में कहा जाए, वो सोना महंगा है तो सुनिए उसकी स्वर्ण की भस्म कितनी महंगी होगी, और बहुत ताकत देने वाली होती है वो। उसका यूजेस बहुत होते हैं, लेकिन आमतौर पर मिल नहीं पाती, और मिलेगी भी तो बहुत कीमती होती है। हालांकि आयुर्वेद स्टोर पर मिलती है। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि आप भोजन में अगर उस कील को डालें, मतलब टुकड़ा कोई हो, उसका लाभ क्या है। तो आइए लाभ की बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, हम लोग, हमारे प्राचीन जो रसोई घर होती हुआ करते थे, उसमें लोहे की कढ़ाई होती थी, और जब लोहे की कढ़ाई पे लोहे की करचुली होती थी, करचुली भी लोहे की होती थी। अभी जो पतली स्टील आ गई है वैसी नहीं होती थी, भारी होती थी लोहे की। उसमें हम जब कोई चीज पकाते थे तो जाहिर सी बात है लोहा घिसता था, लेकिन वो घिसने वाला लोहा जाता कहां था? वो जाता था भोजन के द्वारा हमारे शरीर में। और हमारा जो शरीर है वो बड़े स्मार्ट वे में उस लोहे को ऑब्जर्व करता था, क्योंकि वो बहुत माइक्रोन, बहुत बारीक होता था, बहुत बारीक होता था, और उतना ही हमारे शरीर की जरूरत है। सोना और चांदी ये बहुत अच्छी धातु है। अक्सर चांदी के बर्तनों में खाना खाना या ग्लास में पानी पीना या सोना, ये लाभकारी हुआ है हमेशा से, लेकिन आज हर किसी की अप्रोच में नहीं आ पाता। ऐसे में क्या करें? तो आप स्वर्ण का जो 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 सत है, उसको लेने का जो तरीका है वो ये है कि आप सोने का कोई, जैसे मान लीजिए कोई कील है, लौंग है नाक की या कान की, उसको रख लीजिए, और जैसे आपने भोजन पकाया, सब्जी पकाई, उसमें डाल दीजिए, और जब बन जाए तो निकालकर उसको धोकर रख दीजिए। ये प्रोसेस में काम कीजिए, तो जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, जो उसके गुण हैं, वो सब्जी के साथ शने शने मिक्स होंगे और वो आपके अंदर जाएंगे। अब इससे होता क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, सोना प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे यहां सोने के आभूषण पहनने के पीछे भी रीजन यही है। अगर हम कुशा से शुद्धि नहीं, कुशा बांधते हैं जब हम लोग पूजा करते हैं, कुशा नहीं है तो आप सोने की अंगूठी से कर सकते हैं। सोना पवित्र धातु है। आपके आसपास जब सोना होता है तो नेगेटिव एनर्जी आप में प्रवेश बहुत धीमे से कर पाती है, बहुत कम कर पाती है। लेकिन वही सोना, वही चांदी की धातु जब आपके शरीर में जाती है तो आपके शरीर को संतुलित करती है। जैसे हम चांदी के बर्तन, चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं तो उसका जो ठंडक देता है वो आपके मन को संतुलित करता है, चांदी का ग्लास। ऐसे बहुत सारी चीजें चांदी के गुण में आती हैं, ऐसे सोने के गुण में आती हैं। तो सोना आप में शारीरिक बल, धैर्य, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, बहुत सारी चीजों में आपका लाभ करता है। तो अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। एंड हम बड़ा काम नहीं कर सकते, बट छोटे काम से हम लाभ तो ले ही सकते हैं। सो दिस विल बी गुड फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति ये कार्य को तो कर ही सकता है। धन्यवाद।